सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली मुद्दत केस की समाअत हुई है। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा साहब की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच ने आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहलियत नाअहली पर समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट कैसे डिक्लेरेशन दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट को यह हक कैसे हासिल हुआ, क्या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 62(1)(f) का जो बराह रास्त कोर्ट ऑफ लॉ के इख्तियार का इस्तेमाल कर सकती है, क्या इलेक्शन ट्रिब्यूनल ताहयात नाअहल भी कर सकता है। सवाल यह कि ताहयात जो नाअहली है, नाअहली ताहयात होगी, ये लिखा कहां पर हुआ है, और नाअहली ताहयात का उसूल तो समीउल्लाह बलोच केस में तय किया गया। अगर हम समीउल्लाह बलोच केस और सेक्शन 232 दोनों को गलत कह दें तो नाअहली तो एक दिन भी नहीं रहेगी, और कोई सच्चा है या फिर नहीं है ये उसूल तो ट्रायल के बाद ही तय हो सकता है। इस्लाम में तो तौबा और सिराते मुस्तकीम पर वापस आने का रास्ता मौजूद है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि अराकीन ने पार्लियामेंट की अहलियत तो आमिर ने आइन में शामिल की, यहां तरामीम भी गन पॉइंट पर होती रही। इन लोगों ने सोचा होगा कि आधी जमहूरियत आ जाए, पूरी जमहूरियत से तो बेहतर है। फौजी आमिर के सामने यहाँ कोई बात नहीं करता। पार्लियामेंट को जितनी भी हकारत से देखें वो मुंतखब नुमाइंदे होते हैं, और यहाँ बैठे 5 जजेस की दानिश साथ पार्लियामेंट में बैठे लोगों से ज़्यादा कैसे हो सकती है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए हैं कि इलेक्शन 8 फरवरी को हो रहे हैं, और एक रिटर्निंग ऑफिसर ताहयात नाअहली के उसूल का इतलाक करेगा और दूसरा रिटर्निंग ऑफिसर 5 साल नाअहली की बात करेगा। हम इस तजाद को ख़त्म करने के लिए केस सुन रहे हैं। सवाल यह है कि नाअहली ताहयात है या फिर 5 साल है, और क्या हम नाअहली 2 साल भी कर सकते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह भी, एक जज कहेगा कि नाअहली होती है और दूसरा जज कहेगा कि नाअहली नहीं होती है, और जालसाजी पर डिक्लेरेशन कौन देगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि मुल्क से गद्दारी करने पर नाअहली की सज़ा 5 साल है और झूठ बोलने की सज़ा ताहयात है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।